वेलकम टू अवर चैनल सेलिब्रिटी। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूलभुलैया 2 इस दिन रिलीज होने वाली है। दिवाली के 2 हफ्ते बाद होगा साइकोलॉजिकल धमाका। हिंदी सिनेमा के टॉप 10 सितारों में अपनी जगह बना चुके अभिनेता कार्तिक आर्यन भी इस साल रिलीज होने वाली फिल्मों की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उनके निर्माणाधीन फिल्म भूलभुलैया की रिलीज की तारीख पर पिछले पूरे हफ्ते लोगों की निगाहें लगी रही। सोमवार को इसके निर्माताओं ने फिल्म को दिवाली के तुरंत बाद रिलीज करने का ऐलान कर दिया है। सोनू के ट्यूटी की स्वीटी और प्यार का पंचनामा सीरीज के बाद कार्तिक आर्यन की एंट्री हिंदी सिनेमा के टॉप 5 क्लब में होती दिख रही थी, लेकिन सारा अली खान का साथ उनको भारी पड़ा। उनकी फिल्म लव आजकल पिछले साल इतनी बुरी तरह से फ्लॉप रही कि निर्माताओं को उनकी बाकी फिल्मों को लेकर दिक्कतें होने लगी। उनकी करण जौहर की कंपनी से बन रही फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग अरसे से अटकी है। अनलॉक के बाद इस फिल्म की शूटिंग विदेश में होने की योजना बन रही थी, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन का फॉक्स स्टार स्टूडियोज का नाता टूटने के बाद से करण जौहर की कंपनी का मामला डामाडोल ही चल रहा है। उनकी एक और फिल्म तक भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। धर्मा प्रोडक्शन के साथ साथ कार्तिक आर्यन एक फिल्म टी सीरीज और सिनेवन स्टूडियोज के साथ भी लॉकडाउन से पहले कर रहे थे। अक्षय कुमार विद्या बालन की हिट फिल्म भूलभुलैया की सीक्वल के तौर पर शुरू हुई भूलभुलैया 2 की कहानी का हालांकि अब इस सीरीज के पिछली फिल्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस फिल्म की चर्चा उससे जोड़कर ही होती रही है। सोमवार को फिल्म के निर्माताओं ने भूलभुलैया 2 की रिलीज डेट 19 नवंबर घोषित की है। इसके 2 हफ्ते पहले दिवाली पर अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज और शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी रिलीज हो रही है। फिल्म भूलभुलैया 2 में भी कहानी का एक साइकोलॉजिकल पहलू है और इसे सुलझाने के लिए कार्तिक आर्यन का साथ इस फिल्म में कियारा आडवाणी देने वाली है। इस फिल्म के निर्माताओं में भूषण कुमार, उनके चाचा कृष्ण कुमार के अलावा मुराद खेतानी भी शामिल है। मुराद ने हाल ही में रिलीज हुई अभिनेता विजय की फिल्म मास्टर की भी हिंदी रिमेक राइट्स खरीदे है। इससे पहले वही टीवी सीरीज के साथ मिलकर अर्जुन रेड्डी की रिमेक कबीर सिंह बना चुके है। और ऐसे ही मजेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।